भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर और सोने में भी सिमट कर मरे हैं शासक कई, मगर मेरे कमांडोज तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार मित्रों एंड जय हिंद कमांडोज, मैं योगी राजवे वायरा डिफेंस क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो कमांडोज, मेरी आज की जो वीडियो है उन सभी युवा भारतीय युवाओं को लेकर है जो वास्तव में जीते जागते हनुमान हैं, सोते हुए हनुमान हैं, बस उन्हें ज़रूरत है, उनके सामने बस ज़रूरत है हनुमान चालीसा पढ़ने की। तो कमांडोज, बस आपको बस जगाने के लिए, सोते हुए कमांडोज को जगाने के लिए लाया हूँ आज की ये ज़बरदस्त वीडियोज़, जो कि मेरे आदर्श, मेरे आइडियल शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर है, उन्हीं को लेकर प्रेरित है। तो कमांडोज बात करते हैं। कमांडोज, 1931 में शहीद आजम भगत सिंह की जो शहादत, कोई छोटी मोटी शहादत नहीं थी, उनकी इस शहादत ने पूरे भारत को क्रांति की बिजली के बहुत बड़े झटके दिए। उनकी शहादत से पूरा ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन तक हिल गया और मजबूर हो गए क्या करें। उस भगत सिंह ने मुश्किल और बलिदान का रास्ता चुना। जाए तो भारत युवाओं का देश है, युवा देश भारत कहा जाता है। वास्तव में 21वीं सेंचुरी के इस भारत में हम 23 साल की उम्र के उस युवा से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। उन्हें देश की आज़ादी नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। जहाँ एक और देश की आज़ादी की बजाय वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग करते हैं, वहीं निसंकोच वह देश विरोधी नारे लगाने में भी संकोच नहीं करते हैं, भारत के टुकड़े करने के नारे भी लगाते हैं। कमांडोज, भगत सिंह कहते थे कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भारत में दोबारा जन्म लूँगा। और ऐसे भारत में जहाँ 21वीं सेंचुरी का युवा बेरोजगारी की बीड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसे देश की आज़ादी, उसे देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति से कोई लगाव नहीं है। उसे बस लगाव है अपने आप से। आप जानते हैं ऐसे लोग सदी में एक ही बार जन्म लेते हैं। वास्तव में सदियों तक उनका नाम, उनका संघर्ष, उनका विचार, यानी जब तक देश रहता है जब तक उनको याद किया जाता है। बस दुख होता है कि भगत सिंह ने जो सपनों का भारत देखा था, शायद अब वो इस भारत को देखते, आज के युवा भारत को देखते तो शायद बहुत दुखी होते जो उन्होंने उस समय देखा था, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का बलिदान कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। अगर विश्लेषण तैयार किया जाए तो 15 से 29 वर्ष के लगभग 2 करोड़ 86 लाख युवा बेरोजगार हैं। ये रिपोर्ट में 2015 तक की बता रहा हूँ। आप सोचिए कहाँ भगत सिंह अपने सपनों का भारत बनाना चाहते थे। वो कहा करते थे अशिक्षा मानवता की दुश्मन है। वहीं अगर मैं यूएनओ की रिपोर्ट आपको बताऊं तो यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 28 करोड़ 70 लाख अनपढ़ व्यस्त हैं। कैसे हो सकता है भगत सिंह के सपनों का भारत? अगर 18 वर्ष तक के युवाओं का अगर आकलन किया जाए, अगर एनालिसिस किया जाए तो 7 करोड़ 32 लाख युवक शराब और ड्रग्स का सेवन करते हैं। कहाँ से हो सकता है भगत सिंह के सपनों का भारत? जहाँ भगत सिंह भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते थे, वहीं अगर PGMIR की रिपोर्ट देखी जाए और अन्य रिपोर्ट देखी जाए तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 19वें पायदान पर है। कमांडोज, युवकों की अगर बात की जाए तो वास्तव में उन्हें देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, बस कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं। उन्हें भारत की आज़ादी और भारत की संस्कृति, भारत के गौरव से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस अपने महंगे गैजेट्स में व्यस्त हैं, उनको चलाने में व्यस्त हैं, पार्टियों में मस्त हैं। जब 25 देशों के युवाओं का एनालिसिस किया गया तो भारत के 95% युवा इन मोबाइल्स की, इन गैजेट्स की वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हैं। तो सोचो कहाँ से होगा भगत सिंह के सपनों का भारत? वास्तव में हमारे युवा समाज और देश से कट रहे हैं। अगर देखा जाए तो
आज का युवा जिम में जाकर एक जबरदस्त बॉडी बनाने में शान रखता है, अगर किसी महिला से बदता की जाए तो वो चुपचाप हो जाता है। तो ये भगत सिंह के सपनों का भारत, तो ये है भगत सिंह के सपनों का भारत। ये कहाँ से हो सकता है भगत सिंह के सपनों का भारत? एक वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, युवा हमारा इतना भटक चुका है कि कुछ युवा महिलाओं पर एसिड अटैक करना अपनी बहादुरी समझते हैं। ये भटके युवाओं में कुछ युवा ऐसे हैं जो अपने देश विरोधी नारे लगाते हैं, भारत जिंदाबाद की बजाय मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। यह जब तक भारत युवाओं के इन व्यसनों से मुक्त नहीं होगा, तब तक भगत सिंह का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं हो सकता। तो कमांडोज, शहीद आजम, हमारे राष्ट्रपुत्र सरदार भगत सिंह, जिन्हें भांगवाला भगत सिंह संधु कहा जाता है, मेरे भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के लोयलपुर ज़िले के बंगा गांव में हुआ, जबकि इनका पैतृक गांव खटकड़ कला था जो कि पंजाब में है। जिस दिन इनका जन्म हुआ वो बहुत ही अद्भुत दिन था बताया जाता है। उसी दिन इनके चाचा और इनके पिताजी की रिहाई हुई, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इनके पिताजी और चाचा जी करतार सिंह सारवा और लाला हरदयाल द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य और सक्रिय नेता थे। बताया जाता है इनकी दादी इतनी खुश हुई कि इन्हें ये मुंडा तो बहुत बड़ा भागवाला कहकर पुकारा। उसी दिन से इनका एक नाम और भागवाला पड़ा, जिससे इनका नाम आगे चल करके भगत सिंह हुआ। तो कमांडोज, मेरे भगत सिंह का जन्म हुआ, घर में उसी दिन से खुशियाँ आ गईं, सब लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। कमांडोज बचपन से ही भगत सिंह बहुत चुलबुले थे और उनकी गतिविधियाँ अजीब थीं। बताया जाता है वो हमेशा जब खेलते थे तो अपने आप को लीडर की तरह दिखाते थे, लीडर की तरह प्रदर्शित करते थे, लोगों को दो भागों में बांटकर और उनसे तमाम तरह की क्रांतिकारी गतिविधियाँ कराते थे। देशभक्ति की छाप उन पर बचपन से ही थी, क्योंकि दादाजी, पिताजी और चाचा जी का उन पर अद्भुत प्रभाव था। एक बार की बात है, उनके चाचा उनसे बात कर रहे थे, बोलते थे कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो तू मेरे नाम से जाना जाएगा, आप तुमसे लोग कहेंगे कि ये उनका भतीजा है। तो भगत सिंह ने तुरंत कहा, नहीं चाचा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप जाने जाओगे कि ये भगत सिंह के चाचा हैं। तो ऐसी दिलचस्प कहानियाँ थीं इनके बचपन से। एक बार की बात है कि ये अपने खेत पर दादाजी के साथ गए, वहाँ दादाजी कुछ बो रहे थे तो ये अचानक से पूछते हैं, दादाजी आप क्या कर रहे हो? दादाजी ने कहा, मैं इसमें अनाज बो रहा हूँ, जब फसल तैयार हो जाएगी तो बहुत सारा अनाज पैदा हो जाएगा। तो देशभक्ति का जो जज्बा जो था इनके अंदर, तो बस एक दिन की बात है, ये भी खेत में कुछ करने लगे तो दादाजी पूछते हैं, क्या कर रहे हो भगत सिंह? मैं बंदूकें बो रहा हूँ, जो फसल तैयार होगी और बहुत सारी बंदूकें हो जाएंगी जो इन अंग्रेज़ों को मार भगाएंगी। कि प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और ये पढ़ने में बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। बताया जाता है इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी अपने जोरों शोरों पर था। लॉर्ड कर्जन का बंग भंग आंदोलन भी जोरों पर था, वहीं लाल बाल पाल की भी इन पर बहुत बड़ी छाप थी। तो बस इन्होंने भी अंग्रेजी सामानों का बहुत बहिष्कार किया। बताया जाता है सबसे ज़्यादा इन पर कुप्रभाव, यानी सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे चौंकाने वाली, सबसे अधिक इनके दिल को ठेस 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना से हुई। वास्तव में इनके दिल पर, इनके दिमाग पर, इनकी मानसिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इस हत्याकांड से हुआ, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। बताया जाता है 12 वर्ष की इनकी उम्र थी, स्कूल से सीधे ही ये जलियांवाला बाग कई किलोमीटर चलकर ये जलियांवाला बाग पहुँचे, जहाँ की हालत उन्होंने देखी और ये स्तब्ध रह गए। बताया जाता है वहीं एक बोतल में वहाँ की मिट्टी भरकर ये लेकर आए और इसकी रोज़ाना ये पूजा करते थे और कसम खाई कि मैं देश को आज़ाद कराऊँगा। धीरे धीरे ये बड़े हुए, इनका एडमिशन DAV स्कूल में करा दिया गया, जो कि वैदिक पद्धति से चलता था। इनका पूरा परिवार भी वैदिक पद्धति का अनुसरण करते थे, ये सब लोग आर्य समाजी थे। भगत सिंह
के पिता सरदार किशन सिंह और दादा अर्जुन सिंह, वहीं माता इनकी विद्या देवी कौर थी। वहीं इनके चाचा का नाम अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह था। बचपन से ही लाडले थे क्योंकि इनके बड़े भाई की तो 11 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। वहीं इन्हें लिखने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। इन्होंने अपनी आत्मकथा द डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म और मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखी, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। 12वीं परीक्षा पास करने के बाद इनका एडमिशन लाला लाजपत राय के सेंट्रल नेशन कॉलेज में कर दिया गया। वहाँ इनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। वहीं इन पर घर वालों ने शादी का दबाव बनाया, इन पर इनसे शादी की बात कही तो बस इन्होंने अपनी माँ से जवाब दिया कि माँ मेरी दुल्हन तो आज़ादी होगी, मेरी दुल्हन तो आज़ादी होगी। बस इसके बाद ये लाहौर से कानपुर भाग गए, जहाँ इनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त से हुई, चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। बस फिर क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं अगर दूसरे पक्ष से देखा जाए तो मेरे भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, बांग्ला इन सब भाषाओं में महारत हासिल थी। बटुकेश्वर दत्त से बांग्ला सीखी इन्होंने। वहीं मेरे भगत सिंह जो कि सेंट्रल नेशनल कॉलेज में छात्र थे उस समय, ये एक स्पष्ट वक्ता, अच्छे लेखक भी सिद्ध हुए। इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। वहीं थिएटर में कई क्रियाकलापों में इन्होंने भाग लिया, अच्छे इनाम भी पाए। इससे एक अच्छे अभिनेता भी सिद्ध हुए। इन्हें कुश्ती का भी बहुत ज़्यादा शौक था। वहीं जब हिंदू मुस्लिम दंगों को देखा इन्होंने, बंगाल विभाजन को देखा इन्होंने, तो ये बहुत स्तब्ध रहे, बहुत दुखी हुए और इन्होंने घोषणा की कि वे नास्तिक हैं। मेरे भगत सिंह को फिल्में देखना, चार्ली चैपलिन की फिल्में देखना बहुत पसंद था। रसगुल्ला इनका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा व्यंजन था। बताया जाता है यशपाल राजगुरु चंद्रशेखर यशपाल राजगुरु के साथ ये फिल्में देखने जाते थे, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। वहीं मेरे भगत सिंह ने अकाली और कीर्ति नाम के दो अखबारों का संपादन भी किया, जिसमें ये समय समय पर रचनाएं देते थे। बस दुख इस बात का है कमांडो, मेरे भगत सिंह से इन राजनेताओं को, इन दुष्टों को कभी कोई सियासी फायदा नहीं हुआ, इसीलिए मेरे भगत सिंह को कभी ये प्रकाश में नहीं लाए, न उन्हें कभी मेरे भगत सिंह को, मेरे इन क्रांतिकारियों को न कभी भारत रत्न जैसे सम्मान, राष्ट्रपुत्र शहीद ए आजम जैसी उपाधियों से विभूषित करने की इन दुष्टों ने बात कही। वास्तव में अगर इनसे कोई सियासी फायदा होता तो बस ये तुरंत इन उपाधियों से इन्हें विभूषित कर देते। अगर ज़्यादा जांच पड़ताल भी की जाए तो ये कह दिया जाता है कि ऐसा कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है भगत सिंह से संबंधित। सोचो, जिस देश के लिए 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, वह देश उनके बारे में ये कहता है कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितने शर्म की बात है। वो भी तो अपनी रॉयल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने किसके लिए किया? हम सबके लिए किया, देश को आज़ाद करने के लिए किया। वास्तव में अगर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे तमाम क्रांतिकारी, लगभग 6,32,000 क्रांतिवीर अगर वास्तव में ये आग न लगाते तो आज हम स्वतंत्र सांस नहीं लेते, आज हम जिस देश में रह रहे हैं यह शायद आज़ाद नहीं हो पाता। ये सब उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है जो आज, जिसके जरिए आज हम अच्छी तरह से सांस ले रहे हैं। फिर भी अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में उन्हें भुला दिया जाता है, बस अपनी वोट बैंकिंग बनाने के लिए जब कभी उनका नाम ले लिया जाता है। तो कमांडोज, समय बीतता जा रहा था, मेरे भगत सिंह बड़े हो रहे थे, गतिविधियों को उन्होंने अंजाम समय समय पर दे रहे थे। भगत सिंह ने कॉलेज के दिनों में ही नौजवान भारत सभा का गठन किया, कीर्ति किसान पार्टी का गठन किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना की, वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में उन्होंने सदस्यता ली। बाद में चल करके नौजवान अपनी नौजवान भारत सभा का विलय इन्होंने HRA में कर दिया और HRA का नाम इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA रख दिया। धीरे धीरे इन्होंने अपना, सभी लोगों ने ग्रुप बनाया, गतिविधियाँ, क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया। तो ये बात है, मैं बात कर रहा हूँ 1 अगस्त 1920, उस समय की बात है जब देश में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। ये असहयोग आंदोलन
अंग्रेजों का बहिष्कार करना था, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करना था, टैक्स नहीं देना था, सरकारी नौकरियां छोड़ना था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है इसे। तो बस इससे हमारे भगत सिंह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेंगे। वास्तव में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया, परंतु 5 फरवरी 1922 की गोरखपुर के चोरी चोरा स्टेशन की घटना से वो स्तब्ध रह गए, जहाँ एक पुलिस अधिकारी ने निहत्थी जनता पर गोली चला दी और जनता ने आक्रोश में आकर के पूरे स्टेशन को जला दिया, जिससे महात्मा गांधी इतने क्षुब्ध हो गए, इतने हताश हो गए और उनके दिल को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वास्तव में अगर असहयोग आंदोलन चलता कमांडोज तो हम और जल्दी आज़ाद हो जाते, लेकिन कहते हैं ना कि उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी और अहिंसा के बल पर क्या हो सकता था, अहिंसा के बल पर वास्तव में कुछ नहीं हो सकता था उस समय। महात्मा गांधी ने किसानों की सहायता करने के लिए भी मना कर दिया, जिससे भगत सिंह के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची कमांडोज और उन्होंने निर्णय ले लिया असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और इन्होंने अपनी अलग एसोसिएशन HRA में के द्वारा गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ कमांडोज, ये समय है 9 अगस्त 1925 का, जब सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के काकोरी कांड को अंजाम दिया। काकोरी कांड, काकोरी स्टेशन जो कि सहारनपुर पड़ता है, इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा और 16 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दिया गया। उसके बाद कमांडोज ये सब लोग प्रकाशित हो गए और अंग्रेज इनसे बुरी तरीके से घबरा गए, उनकी गतिविधियों से अंग्रेज बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि उन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया। वास्तव में उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने में, बम बनाने में, तमाम तरह के सामानों के लिए धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उसका एक यही निष्कर्ष था काकोरी जैसे कांड को अंजाम दिया जाए। बस कमांडोज दुर्भाग्य ये रहा कि अपने ही लोगों ने इसमें धोखा दिया। काकोरी कांड में अपने ही लोग सरकारी गवाह बनाए गए, जिन्हें अंग्रेजों ने धन से तौल दिया, जिनमें शादीलाल बागपत के, शोभा सिंह दिल्ली के, फणीन्द्रनाथ घोष जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे बिहार के, सरकारी गवाह बने। कहते हैं ना कि जब जब धोखा दिया अपनों ने ही दिया, तो काकोरी कांड के ये सरकारी गवाह बने और उन पर अपराध सिद्ध हो गया। उसके बाद समय बीतता गया, ये अपनी गतिविधियों को धीरे धीरे अंजाम देते रहे थे। बात कर रहा हूँ, समय आ गया 1928 का, जब भगत सिंह ने अपनी नौजवान भारत सभा का HRA में विलय कर दिया और इसी के तहत ये समय आ गया 1928 का, जब भारत में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था। व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है इसे। इसके लिए गो बैक साइमन का नारा लगा दिया गया, साइमन वापस जाओ, जिसका सबसे प्रबलतम विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय को बहुत चोटें आईं, इन पर लाठीचार्ज किया गया अंग्रेज अधिकारियों द्वारा। उस समय अंग्रेज अधिकारियों में स्कॉट का नाम प्रमुख था, स्कॉट ने इन पर लाठीचार्ज कराया। बताया जाता है 17 नवंबर 1928 को इनकी मौत हो गई, लाला लाजपत राय की मौत हो गई, जिससे भगत सिंह को बहुत आहत लगी, बहुत क्षुब्ध हो गए वो, उनके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और उन्होंने कसम खाई कि अब वो अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ेंगे और इसका लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। तो बस प्लान के तहत योजना बनाई गई। DAV स्कूल के पास स्कॉट को मारने के चक्कर में इन्होंने JP सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसमें जयगोपाल, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद की मुख्य भूमिका थी। देवी के स्कूल में होकर के वो सब वहाँ से भाग गए। उसके बाद पूरे लाहौर में बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी गई, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी गई, कोई भी क्रांतिकारी बचकर नहीं निकलना चाहिए। अंग्रेज़ों ने सब जगह गतिविधियों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। बताया जाता है उस समय इन्हीं क्रांतिकारियों की एक पत्नी दुर्गा भाभी को भगत सिंह की पत्नी बनाया गया और जिसमें सुखदेव उनके नौकर बने और इन्होंने इसी दिन अपनी वेशभूषा को बदल दिया, पूरी तरीके से बदल दिया, सिख पगड़ी हटा दी, एक हैट लगाया, बाल काट दिए, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे। तो बस इसी वेशभूषा में वो कलकत्ता
निकल गए। इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर दबाव बनाने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया, ट्रेड डिप्यूट बिल लाया गया, जो कि अगर पारित हो जाता तो भारतीयों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता। मजदूर बिल था जो कि मज़दूरों को परेशान करने के लिए था, भारतीयों को परेशान करने के लिए था। तो बस HSRA की मीटिंग हुई जिसमें भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने के लिए तैयार किया गया, जिसमें भगत सिंह ने पर्चे लिखे और बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को जब असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में सभा चल रही थी, उसमें खाली जगह देख करके उन्होंने कम इंटेंसिटी का बम, बहुत ज़्यादा खतरनाक विस्फोटक पदार्थ नहीं था, कम इंटेंसिटी का बम खाली जगह में फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, जिससे केवल धुआं हुआ। अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि ये इसको उड़ाने के पर्पज़ से आए, उन्हें तो बहाना चाहिए था, चाहते तो भगत सिंह मेरे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इन्हें यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। बताया जाता है जब ये जेल में पहुँचे, लाहौर जेल में पहुँचे, तो सुखदेव राजगुरु तो जतिन दास जैसे क्रांतिकारियों से इनकी वहीं मुलाकात हुई। बताया जाता है कि जब ये लाहौर जेल में पहुँचे तो वहाँ की गतिविधियों को देख करके ये बहुत ज़्यादा निराश हुए। इन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा कि वहाँ भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा भेदभाव किया जाता था, वहीं अगर अंग्रेजी कैदियों को देखा जाए तो उनके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया जाता था और भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। जेलें बहुत छोटी छोटी थी, चूहे, तमाम तरह की गंदगी, कॉकरोच वहाँ थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो बस इसी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और भूख हड़ताल का आह्वान किया, जिसको अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत हल्के में लिया, लेकिन शुरुआत में बहुत हल्के में लिया, समय बीतता गया और वो घबराने लगे। उन्होंने कई अत्याचार भी किए भगत सिंह पर और उनके क्रांतिकारियों पर, जिनमें सबसे मुख्य रोल यतीन्द्रनाथ दास का रहा, जिनकी मृत्यु 64 दिन बाद भूख हड़ताल से हो गई। वहीं मेरे भगत सिंह ने लगभग 116 दिन का उपवास रखा। सोचो, मेरे भगत सिंह के चेहरे पर सिकन भी नहीं थी और तमाम तरह के अत्याचार उन पर किए जा रहे थे। अंग्रेज उनको ठंडी सिल्लियों पर लिटा देते थे, जबरदस्ती मुंह में दूध डालते थे, तमाम तरह की उन्हें प्रताड़नाएं दी, फिर भी भगत सिंह जिद से पीछे नहीं हटे। बताया जाता है 116 दिन बाद 60 किलो वजन में से केवल 6.4 किलो वजन ही उनका घटा था। सोचने वाली बात है। और वो जीते, बाद में उनकी जीत हुई, अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी सारी शर्तों को मान लिया और इस तरीके से भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाने लगा जो आज तक है। वही कमांडोज 26 अगस्त 1930 को IPC इंडियन पैनल कोड 129-302 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 और IPC धारा 120 के तहत मेरे भगत सिंह को अपराधी सिद्ध कर दिया गया, अन्य क्रांतिकारियों को अपराधी सिद्ध कर दिया गया। अगर धाराएं देखें कमांडो, 302 हत्या के लिए लगाई जाती है, 120 अपराधी षड्यंत्र के लिए लगाई जाती है, 121 सरकार के खिलाफ विरोध करने पर लगाई जाती है और 109 अपराध के लिए किसी को उकसाने के लिए लगाई जाती है। जब इनका अपराध सिद्ध कर दिया गया तो कमांडोज इन सरकारी गवाहों में जयगोपाल और हंसराज बोहरा का नाम प्रमुख है, जिन्होंने सांडर्स हत्याकांड के सरकारी गवाह बने। तो फिर कमांडोज धोखा दिया तो अपनों ने ही दिया। भगत सिंह बहुत आहत हुए क्योंकि ये उनके खास थे। इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को फांसी की सज़ा सुना दी गई। सबसे बड़ी बात कमांडो, भगत सिंह ने अपने हित में किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को भाग नहीं लेने दिया। एक तरफा केस चल रहा था, बस उसको देख करके वो खुश होते रहते थे और कभी कभी जाते भी नहीं थे वो। उनके वकील आसफ अली ने बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मदन मोहन मालवीय ने कई प्रयास किए। लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी दिल्ली में मिले इसी के लिए। उन्होंने लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से कहा कि अगर भगत सिंह माफ़ीनामा लिखें तो हम उनको छोड़ सकते हैं। जब ये बात तेज बहादुर सप्रू ने उन तक पहुंचाई तो भगत सिंह ने सरासर मना कर दिया कि आज मैं अगर मान गया तो मेरे भारत में भगत सिंह पैदा होना बंद हो जाएंगे, मुझे अब अपनी मौत से कोई लगाव नहीं है, यानी मुझे
कोई किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा किसी से। वास्तव में कमांडोज, अगर भगत सिंह माफ़ीनामा मांग लेते तो इतना केज नहीं होता जितना कि आज है। वास्तव में मेरे भगत सिंह ने देश हित के लिए ऐसा कदम उठाया जो आज तक युवा दिलों में वो कुट कुट कर भरे हुए हैं। तो कमांडो, वो काला दिन आ गया कि अंग्रेज़ों ने 24 मार्च 1931 तय किया इनको फांसी देने के लिए, लेकिन कमांडोज अंग्रेज अधिकारियों पर इतना दबाव बन चुका था, ब्रिटेन तक हिल चुकी थी, इतना दबाव बन चुका था मेरे भगत सिंह की लोकप्रियता से, क्रांतिकारियों की लोकप्रियता से, कि वो घबरा गए थे करें तो करें क्या। तो बताया जाता है इन्होंने यह योजना बनाई कि भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाए, क्योंकि जिस दिन फांसी निश्चित की गई है, क्योंकि जिस दिन फांसी की तिथि निश्चित की गई है, शायद हो सकता है जनता उन पर टूट पड़े, जनता उनको फांसी न लगाने दे। इसीलिए क्रांतिकारियों को फांसी देने की प्लान 23 मार्च 1931 की शाम को बनाया गया 7:33 पर। तो कमांडोज इनको फांसी के लिए तैयार किया गया। मेरे भगत सिंह ने एक बार को भी नहीं पूछा कि आप हमें एक दिन पहले फांसी क्यों लगा रहे हो। बस जब फांसी के लिए इन्हें बोला गया तो उस समय ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, तो इनसे कहा गया, अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। कि मेरी अंतिम इच्छा इतनी है कि मुझे बस जीवनी पढ़ने दो, पूरी करने दो। बताया जाता है कमांडोज इनकी सेवा एक बेबे करते थे, तो बेबे से इन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि हमें अपने घर का भोजन खिलाना, तो बेबे कहाँ से आ पाते, क्योंकि फांसी तो इनको एक दिन पहले ही लगाने की प्लान कर दी गई थी, बेबे तो उन तक पहुँच ही नहीं पाए। कमांडोज, सब प्लानिंग तैयार कर दी गई और 23 मार्च 1931 को 7:30 इन्हें फांसी के लिए तैयार किया गया। बताया जाता है भगत सिंह ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों से कहा कि हमें फांसी मत दो, हमें युद्धबंदी की तरह गोली छोड़ा दो। इसके लिए उन्होंने पहले याचिका भी दी थी अंग्रेज अधिकारियों को, ऐसे थे मेरे भगत सिंह। उन्होंने कहा था कि हमने जॉर्ज पंचम के विरुद्ध साहस किया है, हमने उनका विरोध किया है, इसीलिए हमें एक युद्धबंदी की तरह मारा जाए। लेकिन भगत सिंह की बात को टाल दिया गया और भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह तख्ते की तरफ चलते जा रहे थे और मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते जा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते जा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे। बताया जाता है सौदी सिंह संधू तक भी इसकी आवाज़ पहुंच गई थी, जो उनके पास ही सचिव थे, वो रहते थे, ज़ोर ज़ोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने गए और एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से गीत गाने लगे। और जैसे ही फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो उन्होंने फंदे को चूमा, फंदे को गले में डाल लिया। इसके बाद कमांडोज मेरे भगत सिंह को फांसी लगा दी गई, राजगुरु सुखदेव को फांसी लगा दी गई। कुछ देर बाद उनको जब उतारा गया तो एक अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने सैनिक से कहा इनका निरीक्षण करो कि ये इनकी मृत्यु हुई है कि नहीं है। तो उस बताया जाता है कमांडो, उस पुलिस सैनिक ने तुरंत मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। बताया जाता है उस अधिकारी ने तुरंत उसको वहाँ नौकरी से निकाल दिया। तो कमांडोज, ऐसी थी मेरे भगत सिंह की लोकप्रियता, इतना लोग प्रभावित थे उनसे। कमांडोज आनन फानन में दुष्टों ने तीनों के शवों को छतविच्छत कर दिया और पीछे की दीवार तोड़कर, जेल की पीछे की दीवार तोड़कर इन्हें एक ट्रक में डालकर बाहर दफनाने के लिए बोल दिया गया। वही कमांडोज जब इसकी सूचना भारतीयों को हुई तो हुसैनीवाला नामक जगह पर एक गांव के लोगों ने ये ट्रक से इनकी लाशों को छुना लिया और सिख पद्धति के अनुसार इनका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया। तो कमांडोज, अंग्रेज कितनी दुष्टता कर सकते हैं, कितने नीचे गिर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि इन दुष्टों ने शवों को भी छतविच्छत कर दिया था और उल्टे सीधे तरीके से उन्हें दफरा रहे थे। वो तो दिलेरी कुछ ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये ऐसा नहीं होने दिया। इन्हें पहले रावी नदी के किनारे दफनाया जाना था, लेकिन रावी नदी में पानी बहुत कम था, इन्हें सतलज नदी के किनारे दफनाया गया।
और अंतिम संस्कार इनका सिख पद्धति अनुसार किया गया, सम्मानपूर्वक किया गया। उसके बाद इनका बहुत विरोध हुआ, अंग्रेज अधिकारियों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के लिए भी काले झंडे दिखाए गए, महात्मा गांधी के लिए भी काले झंडे दिखाए गए। तो कमांडोज, इन अमानवीय अत्याचारों की सच्ची कहानी मैंने आपको बताई इस वीडियो के माध्यम से। कमांडोज, वास्तव में मेरे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने इन रियल हीरो से वास्तव में परिचित होना चाहिए कि जिन्होंने निस्वार्थ देश हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चाहते तो वो भी अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने निस्वार्थ अपने प्राणों का बलिदान दे दिया उस भारतीय माँ के लिए। इतने वीर क्रांतिकारी का एक रिकॉर्ड तक नहीं है इन दुष्टों के पास, और देखना वो फालतू के लोगों का रिकॉर्ड है। खुशवंत सिंह जिसके पिता ने सरकारी गवाही दी, उसका सब कुछ है भारत के पास, उन्हें सम्मान दिया जाता तमाम तरह का, क्या होगा मेरे भारत का। तो इसलिए कमांडोज, तुम युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि समझो मेरे भगत सिंह के बलिदान को। आप इन जो रॉयल जिंदगी के सपने देख रहे हो, अपने महंगे महंगे मोबाइल गैजेट्स पार्टियों में व्यस्त हो, उससे निकलो। अपने राष्ट्र प्रेम देश प्रेम की भावना को अपने अंदर जागृत करो। आप वास्तव में आप सच्चे हनुमान हो, आप सोते हुए हनुमान हो, आप में सब कुछ करने की वो पावर है जो आप सब कुछ कर सकते हो, बस अपने आप को जगाओ। तो कमांडोज, मेरे भगत सिंह ने, जिसको लगेगा कि आप ही के लिए एक पत्र लिखा, मेरे भगत सिंह ने एक चिट्ठी लिखी जो आप अपने लिए मानकर पढ़ सकते हो। वास्तव में मेरे भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए लड़ा, न कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। उस चिट्ठी के अनुसार उन्होंने बताया, साथियों स्वाभाविक है, जीने की इच्छा मुझ में भी है, मैं इसे छुपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर ना रहूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया, और इतना ऊंचा उठा दिया है कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है, अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा, हो सकता है मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी। इससे आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की भीड़ लग जाएगी, तादाद बढ़ जाएगी, और ऐसी क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज ही मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां भी हिस्सा मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तो इन्हें करने का अवसर मिलता और मेरी अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कोई भी लालच फांसी से बचे रहने का नहीं है। आया, मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? तो बताइए, मुझसे अधिक भाग्यशाली सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी है, अंतिम परीक्षा का इंतजार है, कामना है ये और नज़दीक हो जाए। इंकलाब जिंदाबाद, आपका भगत सिंह। तो कमांडोज, ये पत्र लिखा था देश के नाम मेरे भगत सिंह ने। सोचा इन बातों में क्या क्या प्रकट है। वो कहते थे, वास्तव में अगर इस फांसी से मैं बच गया तो मेरे देश में भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। आज मैं फांसी पे चढ़ता हूँ तो मैं बहुत सारे भगत सिंह देश में पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे बलिदान दिया मेरे भगत सिंह ने। तो कमांडोज, आप सभी से उम्मीद है, हे भारतीयों, हे भारतीय नागरिकों, हे भारतीय युवक, हे वीर युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा है, क्यों बेखबर सो रहा है? उठ, आंख खोल, देख प्राची दिशा की ललाट, सिंदूर रंजित होटा। वास्तव में तुझे सोना है तो अनंत निद्रा की गोद में जाके सो। तेरी माता तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी सिंह वाहनी, तेरी सस्य सामला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे पितर भी तुझसे नतमस्तक हैं। उठ, जाग और देश के लिए कुछ कर। कमांडोज, मेरी इस वीडियो को जो मैंने अपने आइडियल भगत सिंह के लिए बनाई है, मैं चाहता हूँ ये मेरी वीडियो उस जन जन तक पहुँचे, उस युवा साथी तक पहुँचे, और उनको पता चले कि वास्तव में हमारे देश के लिए रियलिटी बलिदान किसने दिया है।
वो पता नहीं किन अराजक तत्वों में उलझे हुए हैं। तो बस कमांडोज, क्या आप नहीं चाहते कि मेरे भगत सिंह को भारत रत्न, राष्ट्रपुत्र और शहीद आजम का दर्जा दिया जाए? चाहते हैं तो कमेंट करो। अंत में कमांडोज, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्हीं युवाओं ने वास्तव में शहीद आजम ने जब क्रांति की आग लगाई तो भारत में 364,000 अंग्रेजों को मार गिराया। सोचो, किसी को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कितने क्रांतिवीरों ने अपने आत्मबलिदान कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो कमांडो, 632,000 क्रांतिवीरों ने अपने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आपकी आज़ादी के लिए आहुति दे दी। तो कैसे भूल सकते हैं इन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, लसपाकुल्ला खां, यतीनाथ दास, बटकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद को कैसे भूल सकते हैं? बस कमांडोज, उनकी एक ही इच्छा थी कि 21वीं सदी का जो भारत हो, उनके सपनों का भारत हो। जैसा कि मैंने अभी आगे भी कहा था, एक और जहां 23 वर्ष का युवा देश की आज़ादी के लिए बलिदान दे देता है, वहीं यहां 23 वर्ष का युवा अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग करता है और भारत विरोधी नारे लगाता है। कमांडोज, एक बात कहूँ, सच में आप पर ही निर्भर है देश की संस्कृति और गौरव। आप चाहें तो देश को उठा सकते हैं, आप चाहें तो देश को गिरा सकते हैं। नेता लोग, राजनेता, राजनीति आपका केवल भावनात्मक उपयोग करते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वास्तव में आप में वो पावर है जो किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को हिला सकती है। कहा जाता है युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। वास्तव में उसमें, उस युवावस्था में उन हजार बोतलों का नशा है। लगन लग गई तो रात भर जागना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। अगर लगन लग जाए तो रात भर जगना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। उसके लिए तो जेठ की दोपहरी चैत की चांदनी जैसी है। वास्तव में इस विशाल विश्व रंग स्थल का सिद्ध हस्त खिलाड़ी है वो। तो कमांडोज, उठो, जागो और जब तक मेहनत करो, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अंत में कमांडोज, बस मैं अपने भारतीय युवाओं से, क्योंकि मुझे विश्वास है यही सब कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं, जब 23 वर्ष 5 महीने 23 दिन की उम्र में मेरे भगत सिंह सब कुछ कर सकते हैं, पूरे शासन को हिला सकते हैं, अंग्रेजों के शासन को तहस नहस कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? कमांडोज, आपसे बहुत उम्मीद है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप उस भविष्य के प्रदूत हो जो आप देश की नींव का नया निर्माण करोगे। आपकी जिंदगी ही रॉयल होगी, तो सपने ही रॉयल हैं। दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में आज भी, जहां उनको क्रांतिकारी आतंकवादी कहा जाता है, क्या उन्हें शहीद आजम या राष्ट्रपुत्र की उपाधि नहीं दी जा सकती? माफ़ीनामा लिख करके वो अपनी ज़िंदगी भी तो जी सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ हम सब के लिए। तो फिर क्यों आज भी उन्हें शहीद की उपाधि नहीं मिली, आज भी उन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी कहा जाता है? क्यों? जिन्होंने एक आदर्श भारतवर्ष की कल्पना की थी, जिन्होंने अपने भारतवर्ष के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपने प्राण न्योछावर कर दिए, घर वालों के कहने पर भी विवाह नहीं किया, कहते थे कि आज़ादी मेरी दुल्हन है। तो क्या ऐसे वीर बलिदानी लोगों को तत्कालीन सरकार, मेरी आज की सरकार, जिससे मुझे भावी बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्या भारत रत्न, क्या शहीद आजम या शहीद या राष्ट्रपुत्र का दर्जा नहीं दे सकती? निवेदन है, मेरी ये वीडियोस जन जन तक पहुँचाएँ, मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ, जिससे मेरे खोए हुए इन शहीदों, जिन्होंने निस्वार्थ प्राणों के बलिदान दे दिया, समय मेरे भगत सिंह जैसा कोई नहीं। कमांडोज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड बटन को क्लिक जरूर करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर करें। तो कमांडोज, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय भगत सिंह।